तो नमस्कार किसान भाई, आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं मछली पालन जहाँ होता है वहाँ पास, ये अंबिकापुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और जगह का नाम मेंड्राकला है। और आज हमारे साथ अटल बिहारी यादव जी जुड़े हुए हैं और ये हमको विस्तृत जानकारी देंगे यहाँ पर मछली पालन किस टाइप से होता है, क्या क्या होता है, क्या खिलाते हैं, कैसे करते हैं। तो अटल बिहारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। तो ये मछली पालन का एरिया कितना जगह का है? लगभग 4 एकड़ में है पूरा। और कौन कौन सा वैरायटी छोड़ी गई है, मतलब जितना बड़ा है सबसे बड़ा एरिया में? आपका इसमें रेहू, कतला, मिर्गल है। मिर्गल है, कितना कितने मात्रा में है ये? 25,000 पूरा मात्रा है हमें। 25,000। और पानी रोज चलते रहता है? हाँ, दिन रात बराबर एनी टाइम चलता है। और इसके बगल वाले में वो कितना जब लगभग एरिया है वो? उसमें 15,000 बीज छोड़ा गया है। एरिया कितना बड़ा है? एरिया है आपका 50 डिसमिल। और एक उधर भी है वो कितना बड़ा? 30 डिसमिल का है। 30 डिसमिल। उसमें कौन सा वैरायटी छोड़ी गई है? उसमें आपका रूपचंदा छोड़ा गया है। रूपचंदा, और कितना? यही आपका 10,000। और यहाँ की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? सुरक्षा के लिए आपका कैमरा लगा है और चारों तरफ से फेंसिंग लगा हुआ है। अटल बिहारी जी, वहाँ पर हमको ड्रम दिख रहा है, उसका यूज क्या है, बता सकते हैं आप? इसका यूज मछली को दाना देते हैं इसमें। और चढ़ के बोट भी है, उसमें भी दाना ही देते हैं। अच्छा, तो मछली को दाना में क्या देते हैं आप, क्या खिलाते हैं? पोटेशियम। और कितने कितने मात्रा पर देते हैं? रोज देते हैं कि नहीं? एक सप्ताह में दो दिन तीन दिन। और कितना मात्रा में देते हैं एक एक प्लाट में? यही 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल रोज का, मतलब रोज। हाँ, मतलब रोज नहीं देते हैं, 2-3 दिन में देते हैं, मतलब 3 दिन के अंतराल में आप। हाँ, देते हैं। तो अटल बिहारी जी, आपने बीज कब डाला था इसमें? आपका ये 25 सितंबर 2020 में डाला था। एक साल करीब करीब हो चुका है। एक साल करीब करीब हो चुका है। और कितना कितना साइज आ चुका होगा? लगभग 1 केजी आ चुका है। 1 केजी आ चुका है। तो आपने कितना कितना मात्रा में बीज डाला हुआ है वो भी बता सकते हैं? आपका ये वाला तालाब में 15,000 बीज डाला। हाँ, और बड़ा वाला तालाब में 25,000 डाला हूँ। और उधर? उधर आपका 10,000 डाला हूँ, छोटा वाला। उधर वाला चंदा? हाँ, रूपचंदा। रूपचंदा। और इधर कौन कौन सा है, एक बार आप फिर बताना चाहेंगे? इसमें रेहू कतला, ग्रास कप है। हाँ। और इसमें केवल सिर्फ रेहू कतला है। अच्छा, तो फिर इसका हार्वेस्ट कब करते हैं आप? हार्वेस्ट आपके 2 महीने के बाद लगभग करूंगा। और लगभग कितना वजन आ जाता है हार्वेस्ट करते के टाइम? 1.5 किलो साइज। 1.5 किलो साइज। और मार्केट में अच्छा खासा बिक्री में जाता है? मार्केट में अच्छा खासा बिक्री बिकता है। अच्छा, इसमें रोग भी लगता है जिससे मछलियाँ मरती हैं ज्यादा? हाँ, रोग कभी कभी लगता है। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं? यही आपका पानी बढ़ाते हैं ज्यादा करके। और कुछ? और यही आपका वो जो लिपने वाला चूना होता है ना, जो घर में पेंट होता है? हाँ, घर में जो पेंट होता है उसी को डालते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको कैसे पता चलता है? आपका मछली ऊपर आने लगती है। हाँ। और हम लोग यूट्यूब का प्रयोग करते हैं। और इसमें पानी भी चलाते हैं फिर आप? पानी भी चलाते हैं। तो अच्छा, ये मेरे को आप बताइए कि यहाँ पर मछली को हार्वेस्ट करते टाइम कैसे निकालते हैं आप और कैसे मार्केट में जाता है? आपका जाली से निकालते हैं। हाँ? और ये आपका कोई बाइक या पिकअप से ले जाते हैं। और लगभग एक दिन में आपका कितना हार्वेस्ट हो जाता है? आपका ये रोज का निकालते हैं 2-3 क्विंटल बस। अच्छा, तो आप ये बड़ा वाला प्लाट में जो 1 एकड़ के जो प्लाट है इसमें कितना निकलता है आपका? आसपास से 50 क्विंटल तक निकलता है। 50 क्विंटल। तो मान लीजिए आपको 20 से 25 दिन लगता है इसको हार्वेस्ट मार्केट में? हाँ, 20 से 25 दिन लगता है। और इसके बगल में जो छोटा वाला प्लाट है इसमें ही लगभग 25 क्विंटल तक। 25 क्विंटल रोज इसको वही टाइप से आप बेचते हैं? और कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब बड़ा माजदा, मतलब बड़ी गाड़ी में आपका सेल हो रहा है? नहीं, केवल पिकअप से यहाँ से जाती है, उसके बाद बड़ी गाड़ी में सेल होती है। अच्छा, यहाँ से मतलब आपको डायरेक्ट सेल नहीं जाता है? डायरेक्ट सेल नहीं हो पाता है क्योंकि रोड की समस्या के कारण। और इसके बगल में प्लाट है जो आपने क्या वैरायटी बताई थी, चंदा करके? आपका रूपचंदा। रूपचंदा, उसमें कितना निकलता है आपका? उसमें यही लगभग 15 से 20 क्विंटल तक। और उसका साइज भी कम रहता है अन्य वैरायटी और कंपैरिजन? हाँ, उन लोगों से साइज कम रहता है उसका। मछली पालन के साथ साथ कौन सी अलग से और खेती करते हैं आप? आपका मुर्गी फार्म का मतलब खेती करते हैं और बकरी फार्म का। बकरी आपने कितनी क्वांटिटी में, मतलब कितनी मात्रा में रखा हुआ है? आपका ये 10-12 ठो बकरा है। 10-12 ठो बकरी बकरा। और मुर्गी? मुर्गी मतलब आपका उसका बीट को, मतलब मुर्गी का बीट मछली को भोजन कर खिलाते हैं। हाँ, खाने के लिए देते हैं? मतलब खाने के लिए देते हैं। और मुर्गी हम लोग को अंडा भी देती है। हाँ। और उसको जो मुर्गा होता है ना, उसको बाजार में बेच देते हैं। इससे आपका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। अच्छा अटल बिहारी जी, आप ये बताइए आप चूजा कहाँ से मंगाते हैं? फोनिस कंपनी से मंगाते हैं आपका चूजा। आप कितने क्वांटिटी में कितना मंगाते हैं? आपका ये 2500-3000 तक मंगाते हैं। 2500-3000 तक। और इसको मतलब अपने चलने के लिए नीचे क्या फर्श पे क्या बिछाते हैं आप? आपका वो भूसी हो गया, चावल का भूसी जो होता है ना, चावल का भूसी। और उसमें बिछाने का फायदा क्या रहता है?
बिछाने का फायदा ये बस गर्म रखता है चूजा लोग को। चूजा लोग को। और चूजा कितने दिनों में तैयार हो जाता है? आपका 1.5-2 महीने में तैयार हो जाता है। और साइज किस प्रकार से आता है? साइज 2 किलो 2.5 किलो। 2 किलो 2.5 किलो। और आपका यहाँ से कितना का प्रोडक्शन हो जाता है? यही 40-50 क्विंटल। 40-50 क्विंटल। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ अटल बिहारी जी थे, जिन्होंने बताया कि मछली पालन के साथ साथ कौन सा और खेती करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कर सकते हैं। आपने पूरा बात ध्यान से जरूर सुना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इनका मछली पालन का जो भी व्यवसाय लगा हुआ है, ये इनका मेन है। मतलब यहाँ इसके बाद इन्हें दूसरा खेती करते हैं। और इनका जितना बड़ा ये व्यवसाय है, उतना को मतलब तालाब को बनाने के टाइम क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलता है। अगर आप भी करवा रहे हैं तो आपको अपने नज़दीकी मत्स्य पालन विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। और हमने इसका पता किया है, वही लगभग यहाँ का समथिंग जितना यहाँ मछली होती है, जितना प्रोडक्शन होता है, उसमें से इनको मान लीजिए 14-15 लाख का इनकम होता है, और उसमें से 50-60% का खर्च हो जाता है, और इनका 50% मान लीजिए बचता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।